अच्छा भाई से एक मारा सैन ने सारे हंस दी। तो गाइस सब्जी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी रेडी हो चुका हूँ और निकल रहा हूँ घर से। पहले मुझे जाना है, मेरे जो चाचा उनकी रस्म पगड़ी आज वहाँ पे जा रहे हैं, होमन वगैरह कराएंगे। उसके बाद देखते हैं वहाँ पे कौन कौन गेस्ट आते हैं, कौन कौन है, क्या होता है, मिलवाते हैं आपको सभी से। क्योंकि आज हमारे वहाँ पे पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला है, पूरे फैमिली मेंबर, जो कि कभी फंक्शन पे भी प्रॉपर नहीं हो पाते, बट आज तो सबकी मजबूरी है, इकट्ठे होना पड़ेगा सभी को। तो चलते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है, उनका काफ़ी टाइम पहले फ़ोन आ गया था कि होमन चालू हो चुका है, वेट कर रहे हो मेरी, और अभी निकलते हैं, मिलते हैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद। तो गाइस अभी हम निकल गए यहाँ से, लोगों की वार्तालाप सुन, पीछे दिखा दे, पीछे दिखा दे, सारे निगरा से अम्मा ने मिली गिलास। हेलो बोलो। हेलो और सासु देखो, कहते मौसी को कहते हाय गाइस बोलते बोल तो रही यार। बस हूं बोल रही हां की कर, पहले भी जवान पहली बुढ़िया तेन पती आ भी पुठी सीधे बोल जा, फिर हम भी तिगरी बोल ले, हम बड़ा सीधा सीधे बोल रहे, हम तो बस ठीक बोलना। तो गाइस हो गया, हमारे चाचा की रस्म पगड़ी हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं। आज से बाद ये पगड़ी इनको पहना दी, अब ये देखते हैं कि ये पगड़ी से क्या काम करेगा। इन्हें तो कुछ नहीं करना, जैसे ले तो जाया, अब ये काम नहीं जाएगा, जैसे ले तो जाया, अब आपको खुद जाना पड़ेगा इस पगड़ी का ये मतलब होता है। क्या मतलब होता है भी, जहाँ भी कोई काम करना मन करना पड़ेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, वो काम गयो जा सिले तो जाया ना, पहले तो पापा सिले मत ना। अच्छा, अब सिले वाली पापा वाली जिम्मेदारी तो मेरे पास आई। हाँ, अब टोटल घर के हेड ऑफ द फैमिली बन गया बाप। हाँ। अब आप फैमिली में मतलब हेड ऑफ द फैमिली हो गए। यस, वैसे भी अगले वालों में सब में बड़े आप ही हैं बाप को, जो निकट वाले भी हैं मेरे, नहीं वहाँ वो यहाँ के सिस्टम में ना। तो सलाह लेनी पड़ेगा कि मेरी कुछ। हाँ, मैं आपकी सलाह लेकर ठीक है, आपने मुझे पहले सलाह दी फौरन नहीं जाना चाहिए, और बुआ मिल जाते हैं, मिल जाते मैंने मान लेती है आपकी सलाह, कौन जगह क्या करना, कोई भी नहीं मिलने का वहाँ। सही बात है, और जो यहाँ कुछ हो जाए यो आ नहीं सकता। इब सिले ने देखे दोनों लड़के बेचे, एक लड़का पहले जा रहा था वो आया नहीं, मिला नहीं ना, एक दूसरा भेज दिया, चलो कुछ हो जाकर कोई भी नहीं। तो गाइस निकलते हैं, अभी वेट कर रहे हैं हम किस चीज़ की, सब्जी की वेट कर रहे हैं, पहले लेता है दे देने पे जी, लो जी सब्जी, लो जी ओए इन्हें साफ करके लेके आ, ले ठीक है, मैं तो साफ आयो। ओ सुन, यो देखिए ये कहां रहने इतने डब्बे क्या यार, अब अगर इस तरह स्टोन ना जट गया था यो। और सब्जी खींच गई और अभी चलते है। बढ़िया बट सर, ये बट सर नहीं आगे सुखो, अरे हमारा बटेरू, अजय बटेरू एक मानो सारे
दोबारा से बोलना मौसी कैसे कैसे बोलो पंजरा से मारा सहन ने सारे हंस दे हंस तो यहाँ पे भी गए नहीं 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 कह दे वापस सुना क्या बदला गेल पड़ी तारों का पछतावा गया मगर नवा जोड़ आ गया तो इधर ले पिछले खिड़की बंद दे ये काका काका भाई एक बंदा है जो अपनी सासू के लिए सब्जी लेके आया सब्जी आके देख ले अब सुने अब तूने खंडाई है जो पहले खंडाई अंदर रिश्ता टिका था अब अच्छा तुझे और नहीं दिखे तो अपने अपनी सासू के लिए लेके आया सब्जी काके और बंदे नहीं दिखे सबके लिए चलो ठीक है ओके क्या कहते हैं मौसी माँ तो परोठे भी दी सब्जी रोटी पकाने दी बचाई सब्जी नहीं बनाती घर पे काम नहीं करती तो गाइस ये मौसी तेरी आलम्बा कि ना ये काम नहीं करती सुखो घर पे सब्जी नहीं बनाती है क्या कहती है ऑर्डर मारती है राम कुमार को होटल में बेचारे सेकंड देखिए रहे हो भी की चल काटना नहीं सुनो अरे ये सुख होगी सासू ये सुख होगी सासू इन्हें भी दो जने ने खरीद रखी है हाँ ये महंगी थी ज्यादा देखिए खुश है छोक रहे हो देखो अच्छा मेरी दादी मैं ज्यादा नहीं खरीदी ये सोच रहे मेरी दादी ज्यादा नहीं खरीदी लग रही है कल खाऊंगी तो गाइस अभी हम निकल गए और देखा फन मार रहे पूरा बात चल गया सासू माँ की सासू चली गई ना बोले तो गाइस गाड़ी में पंचर हो गया नेट को पैसा पर नेगेटिव और हवा अगर मैं बोलूं तो कितनी दिखा रहा है एक में 29, 33 तो पंचर आई थिंक मैंने पहले एक दिन हवा भरवा ली थी इसमें और जो उसी दिन इसमें पंचर या निशान आता है बाई चांस हवा कम हो जाती है तो अभी आज तो मैं पंचर लगा के ला रहा हूँ इसमें देखते हैं क्या होता है बंदा रोड के बीच में खड़ा अच्छा चला जा नहीं है चारों तरफ फ्लैपर लगा के ना घूम रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया जहाज उड़ा रहा है और वो क्या ना भाई सिर पे जो उसके वो रखा ना बैग देखो दौड़ के दिड़ा रहा हूँ एक लड़की को लिफ्ट ली बेचारी से और सिर पे बैग रखा था आंटी दोनों हाथ छोड़ करके ना बैठ गए थे और बैग गिरने लगा था पकड़ा इन्होंने ये देखो हम पहुंच गए वैसे यहाँ से पंचर लगवा रहे हैं हम घर आ गए थे और ये देखो बापू और चलो गाइस अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग